আমি দাদিকে লেকে আয়েগা। বড় হলে কোন গাড়ি চালাতে হবে তো? বেটন বলে ছাত ছেড়ে চালিও না। এই তো গেটটা। আরে ইয়ার, এ বাচ্চে লোক বড় হতে রাইডারে ছোড় দে ইসকো। ও ভাই সাহেব, ये बच्चे लोग के रिएक्शन भाई एक नंबर है। अगर ये दोनों पत्थरों को अपनी जगह से हिलाया जाए तो ये पूरा पहाड़ गिर जाएगा। स्वागत देखो लौंडे की। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वाले ब्लॉग में तुम लोगों ने देखा कि मैं बक्केश्वर आया, बक्केश्वर का मैं एक्सप्लोर किया जितना हो सके मेरे। तो इस वाले ब्लॉग में तुम लोग देखोगे कि हम लोग बक्केश्वर से आसानसोल जा रहे हैं अपनी दादी को लेकर। तो सारी सामान गाड़ी में अभी पैक हो चुका है और ये देखो लास्ट वाला सीन बक्केश्वर का, कितना सुंदर ये लोकेशन है भाई। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे घर से सीधा सीधी ये मंदिर दिख जाता है। और अभी दादी को लेके आएगा और गाड़ी में बिठाएगा। तो चलो फटाफट से सीधा आप लोगों से मोटो ब्लॉक में मिलते हैं और बाकी वीडियो को दिखाते हैं। कैमरा क्या मंगा बेटा? हेलो चल रहे गाड़ी तो भाई देखो क्रेज साउंड इफेक्ट का, गांव के बच्चों भी पैसे आते हैं इस गाड़ी को। बड़ो है देखो गाड़ी चलाता है ना, बड़ो है देखो गाड़ी चलाता है तो और जन बोल छात चले चलियो ना। ये गेट पे है, ये गेट पे। सो चलो गाइस अब घर चलते हैं, सोनिक को कॉल स्टार्ट कर देते पहले। लगे नीचे गट्टा, असी तो गैस चलो अब घर चलते हैं सीधा। और गैस इस तरफ से भी एक रास्ता है जहाँ पर बक्केश्वर में एक शमशान है, वहाँ पर जाने का रोड है। तो वो जगह मैं दिखा नहीं पाया तुम लोगों को, टाइम उतना ज़्यादा नहीं था। तुम लोग देखे होगे कि मैं सुबह ही आया और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो इसीलिए भाई टाइम बहुत कम था। और दादी को जल्दी से जल्दी आसानसोल लेकर जाना पड़ेगा, दादी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। इसीलिए आगे जो FZ जा रहा है इसमें ट्रिपल लोड नहीं भाई, चार जन का लेकर जा रहा है FZ में। एक बच्चे सामने बिठाया टेंकी के ऊपर और एक बच्चे को बीच में बिठाया है। सो गूगल मैप पर अभी दिखा रहा है कि घर पहुँचने में हम लोग 1 घंटे 52 मिनट लगेगा, मतलब 2 घंटे पकड़ के चलो तुम लोग। और ये देखो गाइस कितना खूबसूरत नज़र है इधर का, दोनों तरफ खेती खेत है। वाह ये जगह बहुत मिस करूँगा मैं। अरे यार ये बच्चे लोग बोल रहे थे राइडर ने छोड़ दे इसको। ओ भाई साहब, अरे राइडर के लिए गांव में इतनी इज्जत भाई। सो गाइस मुझे अब आज घर जाके फिर शोरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला था कि 15 दिन के अंदर हैंडल इसका ढीला हो जाएगा, लेकिन 15 दिन तो छोड़ो, 3-4 दिनों के अंदर ही ढीला हो गया इसका हैंडल। तो शोरूम जाके इसको टाइट करवाना पड़ेगा। हट 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 भाई क्या खूबसूरत लग रहा है गाइस देखने में, इतनी हरी हरी चारों तरफ, उसके ऊपर इतने सारे गाय। भाई ये नज़ारा तो भाई फिल्मों में होता है, तो मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ अपनी आँखों के सामने। गाइस एक नंबर भी है भाई इस तरफ का। और इधर देखो कुछ बकरियाँ भी है भाई, गांव का लाइफ तो भाई अलग ही होता है, बहुत शांति मिल रही है यहाँ पर आके मुझे। तो गाइस अभी मैं दुबराजपुर पहुँच चुका हूँ और मम्मी की गाड़ी पीछे है। अभी तुम लोग देख सकते हो कि धूप भी खिल चुका है बहुत ज़्यादा। ये बच्चे लोग के रिएक्शन भाई एक नंबर है। ओ गाइस इतना ज़्यादा ट्रैफिक दुबराजपुर के अंदर भाई, अब तो गर्मी लग रही है मुझे भाई साहब। और ये देखो भाई एक महिंद्रा थार, यहाँ पर एक R15। तो हम भाई इधर से जाएंगे इस रोड से। गाइस इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर कि क्या बात है तुम लोगों को यार। और ये देखो मैप पे ये आगे का पूरा रास्ता रेड हो गया है, मतलब आगे हम लोग को 2-3 किलोमीटर तक ये ट्रैफिक मिलेगा ऐसे। भाई अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, ये ट्रैफिक कब छूटेगा। और आगे जो ठेला में रोड लेके जा रहे हैं उसमें से इतना पॉल्यूशन निकल रहा है, क्या बताए, पता नहीं यार क्या लगा के रखा है, मोटर है या जनरेटर है, पूरा धुआं निकल रहा है गाड़ी से। हाँ ये रास्ता देखो यार, टाउन के अंदर का रास्ता ऐसा हाल है। सो गाइस यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ है जिसका नाम है मामा भगने पहाड़। सो शायद उसका गेट
यही कहीं पर होना चाहिए। हाँ ये रहा वो गेट, देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड पे ये गेट है, तो तुम लोग पहले देख लो थोड़ा सा। तो ये ऊपर पूरा चला जाता है गेट, और ऊपर एक छोटा सा पहाड़ है, ठीक है ये वहाँ वाला। तो ये इसका स्टोरी क्या है कि दो छोटे छोटे पत्थर है इस पूरे पहाड़ के ऊपर, और दो पत्थरों का नाम ही है मामा और भागने, तो उन दोनों पत्थरों का ये नाम है। तो स्टोरी क्या है कि पूरे पहाड़ के ऊपर ये दो पत्थर ऐसी जगह पर है, अगर ये दोनों पत्थरों को अपनी जगह से हिलाया जाए तो ये पूरा पहाड़ गिर जाएगा, तो ऐसा कहाँ जाता है। और एक चीज़ है कि बोलते हैं यहाँ के लोग कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पर बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो दो छोटे पत्थर कभी भी गिरते नहीं है। मतलब बड़े से बड़े पत्थर गिर जाते हैं, लेकिन वो दोनों छोटे पत्थर कभी नहीं गिरते। तो यही स्टोरी है इसका। और कुछ लोग तो भाई बोलते हैं कि इस पहाड़ पे पहले लूटे रहे रहा करते थे, लूट का जो मांस था वो यहाँ पर आकर छुपाते थे, और लूटेरों में से जो लूटेरे था उन दोनों फेमस लूटेरों का नाम मामा भागने, तो उसके नाम से ये पहाड़ का नाम रखा है मामा भागने। अब पता नहीं कौन सा स्टोरी रियल है कौन सा फेक है। तो चलो दुबरसपुर से निकल गए और आ गए हैं मेन हाईवे पे, मतलब ये सिंगल हाईवे है भाई। ये सेलेडियो क्या चला रहा है भाई, उड़ा के चला रहा है इस वाले रोड पे। ओ भाई आ गया स्वाद सेलेडियो वाले भैया। सो गाइस मम्मी ने मुझे कॉल किया था, और मम्मी ने बोला कि वो लोग अभी भी दुबरसपुर के अंदर ये जाम में फंसे हुए हैं, दुबरसपुर से निकले नहीं अभी तक। सो भाई मैं तो बाइक में हूँ, मैं तो बहुत जल्दी आ गया आगे आगे, लेकिन फिर भी यार मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है, और अब जाकर थोड़ा सा क्लियर रोड मिला है मुझे। सो ये वही रोड है जो आते टाइम मैं तुम लोगों को दिखाया था, ये वही खदान है, उस तरफ ECL है, और इस तरफ एक क्लियर सा रोड है, और सामने देखो तीन चार को बम्पर भी है। सो गाइस अब फिर से वो कॉर्नर वाला रोड आ गया, और फिर से आगे एक गाड़ी भी आ गया। यार इन लोगों ने मुझे कॉर्नर लेने ही नहीं देगा। इस बार तो ले ही लिया, मतलब कॉर्नर। सो गाइस अब हम लोगों को सीधा जाना पड़ेगा, ये वाला रास्ता गलत दिखा रहा है। ये एक्चुअली शॉर्टकट है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट लेने के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाएगा, समझ रहे हो ना क्या होने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। सो गाइस पहुँच चुके हैं हम अपने बाईपास पे। इतनी देर तक सिंगल हाईवे में चलाने के बाद अपने सोनिक को अब हाईवे में चलाएंगे हम, अरे ऐसा तूफान हो कितना। आगे देखो गाइस ये पल्सर वाला विदाउट हेलमेट, और इसका पैर देखो भाई लेफ्ट साइड का कैसे रखा इसका अपना पैर भाई साहब। आगे देखो लौंडे की ऊपर से रिबॉक का शू पहना हुआ है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम आसनसोल, अपने शहर, अपने घर, और अब घर जाके थोड़ा साफ सफाई भी करेंगे क्योंकि दादी आने वाली है, तो दादी को रहने के लिए जगह देना पड़ेगा। तो चलो पहले घर चलते हैं। सो गाइस दादी को घर लेके आ चुके हैं हम लोग, और अभी मैं वीडियो को यही पढ़ेंगे। तो सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग अगली बार, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।